गर्मी शुरू होते ही आप लोगों के मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ मुझे ये इशू आ गया है, मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल आना शुरू हो गया है, पसीना आ जाता है, पिंपल निकल आते हैं, ब्लैक हेड है, वाइट हेड, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पिगमेंटेशन आ जाता है, सन टैन आ जाता है, यार स्किन फ्रेश महसूस नहीं करती है, अक्सर स्किन पे बिल्कुल ऐसे चिपचिपाहट सी आपको फील होती है और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है गर्मियों के दौरान। अगर आप इन गर्मियों में अपनी स्किन को ऐसे ही चमकता हुआ देखना चाहते हैं, महकता हुआ देखना चाहते हैं, तो आज का जो DIY देने जा रही हूँ ना, ये बड़े कमाल का हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और आपकी सिर्फ एक नहीं बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकता है आज का छोटा सा DIY। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को एज यूजुअल पसंद आ जाती है, मुझे पता है आज की वीडियो तो बिल्कुल डेफिनेटली पसंद आने वाली है, आज की क्या हर एक वीडियो पसंद आती है आप लोगों को, तो पसंद आ जाती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए फिर आज का छोटा सा DIY हम बना लेते हैं। अपनी पुराने वाली स्किन वापस चाहिए, अपनी स्किन कॉम्प्लेक्शन को निखारना चाहते हैं, अपनी डल स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, गर्मियाँ आ चुकी हैं वैसे भी और गर्मियों में हमें बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऑयल आता है, डर्ट चिपक जाती है, एक्ने आ जाते हैं, पिंपल आ जाते हैं, हम उनको पोक कर देते हैं, वो फूट जाते हैं, उनकी जगह फिर से नया पिंपल आता है और ये प्रक्रिया जो है ऐसे चलती रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है आपकी स्किन पे ना चले, यानी कि एक्ने पिंपल ना आए आपकी स्किन पे, तो इस पैक का यूज कर सकते हैं, आपके कॉम्प्लेक्शन को निखारेगा। जहां तक बात है आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन, ब्लेमिश, झाइया, वो सारी हटा देगा। और ये मैंने बताया तो है ही नहीं क्या लिया है, ये है नीम पाउडर, मैंने नीम पाउडर लिया है। आपको क्या करना है, नीम पाउडर नहीं है ना तो ड्राई लीव्स लेके आनी है, नीम की पत्तियां ले आइए, उसको एक दिन के लिए घर पे रखें और उसको मिक्सर जार में घुमा देंगे, एक दिन में ही सूख जाएंगी वो और आपका पाउडर बन जाएगा। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है आधा चम्मच के करीब हनी। हनी आपके एक्ने पिंपल को ट्रीट करेगा, यानी कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ठीक करने में मदद करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक आलू लेना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पिगमेंटेशन, झाइया, ब्लेमिश, फ्रिकल्स को हटाने की, और उसके लिए अच्छा होता है आलू। मैंने छिलके के समेत इसको क्या किया है, ग्रेट कर लिया है कुछ इस तरीके से, ताकि हमारा टाइम बच जाए। लेकिन इसको ग्रेट करने से पहले मैंने इसको बड़े अच्छे से वॉश कर लिया था, ठीक है। अब इसका जो जूस है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, आपको अच्छे से ग्रेट करके और इसे इसके अंदर स्क्वीज कर देना है। आपकी स्किन को ब्लीच करेगा और जो डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, ब्लेमिश है, उनको फेड करने में मदद करेगा। नीम पाउडर एंटीबैक्टीरियल होता है जो आपकी स्किन से एक्ने पिंपल को हटाएगा, ओके। तो इस तरीके का एक बेहतरीन पैक और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप गर्मियों में ये पूरी गर्मी ये पैक लगाते हैं ना, तो आपकी स्किन वाव वाव इतनी मज़ेदार बिल्कुल मज़ेदार, आपका हाथ आपकी स्किन से नहीं हटने वाला है अगर आप पूरी गर्मी इस पैक को लगाते हैं। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, नीम पाउडर बहुत ही कम रुपए में आएगा, आपको लगभग 100 से 150 रुपये में मिल जाएगा। घर पे बनाना चाहते हैं तो घर पे भी बना सकते हैं जैसे कि मैंने बताया है। तो इसकी एक पैक कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए, पैक बन के तैयार है, इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपकी आ जाएगी। तो पैक लगाने से पहले आपको करना क्या है, फेस पे स्क्रब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप है स्क्रब। मैं यहाँ पे पैकिंग वाला, यानी कि जो मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ पैकिंग वाला, वो मैं यहाँ पे स्क्रब यूज कर रही हूँ। स्क्रब करने से क्या होगा, ये जो हम पैक लगाएंगे ना, इसका आपको 2 गुना रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। जब भी आप स्क्रब करते हैं तो जेंटली स्क्रब करना होता है, रगड़ रगड़ के स्क्रब नहीं करना होता है। ये आपकी स्किन है, कोई कपड़ा नहीं है कि आप इस पर बिल्कुल रगड़ रगड़ के ब्रश करेंगे। तो जेंटली हाथों से आपको करना है, ताकि जो ब्लैक हेड है, व्हाइट हेड है, डेड स्किन है, जो पिगमेंटेशन के ऊपर एक परत सी भी जम जाती है, स्किन की जो बाहरी परत होती है ना, उसके ऊपर एक ब्लैक ब्लैक परत जम जाती है, तो उसको हटाने का काम करेगा हमारा जो स्क्रब हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो कम से कम 3 या 4 मिनट के लिए आपको अपने फेस पे स्क्रब करना है। उसके बाद सिंपल पानी के साथ आप वॉश कर देंगे और उसके बाद आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, जितनी बाहरी गंदगी है वो निकल जाएगी। अब अंदर की जो गंदगी है, जो आपकी स्किन के अंदर गंदगी है, जो पोर के अंदर गंदगी है, उसको निकालने का काम करेगा ये पैक। स्क्रब करने के बाद आपको पैक उठाना है और अच्छे से मसाज करते हुए अपने फेस पे इसको लगा लेना है। आंखों के पास नहीं लगाना है, मैं इतनी शांति इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नीचे है ना लेडीजें काम कर रही हैं और वो मुझे बार बार बोलती हैं कि तू क्या करती रहती है किचन में खड़े हो गए पूरे दिन, तो इसलिए मैं आराम से बोल रही हूँ। पैक लगा लेना है, अच्छे पूरे फेस के ऊपर लगा लेना है और गर्दन के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, आप इसे अपनी एल्बो पे लगा सकते हैं, जहाँ से भी अपने स्किन कलर को निखारना चाहते हैं, डेड स्किन हटाना चाहते हैं, ब्लैक स्किन हटाना चाहते हैं, जहाँ पे भी स्किन प्रॉब्लम है वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं। मसाज करने के बाद आपको
इसे कम से कम 15 मिनट के लिए अपनी स्किन पे रहने देना है, और उसके बाद आप सिंपल पानी के साथ, यानी कि जो नॉर्मल टैप वाटर है उसके साथ अपना फेस वॉश कर देंगे। यकीन मानिए, जैसे आप अपना फेस वॉश करेंगे ना, इतनी गजब की स्किन आपकी निकल के आएगी। और अब जहाँ तक बात है आपके एक्ने पिंपल की, उनके लिए तो ये 100% आपकी स्किन पे काम करने वाला है। आप इसका डेफिनेटली यूज कर सकते हैं अपनी स्किन पे, पूरी गर्मी आप इसका यूज करके देखिए, आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे 15 से 20 दिन के अंदर अंदर। बहुत ही ज़्यादा चीप इंग्रेडिएंट्स हैं। नीम पाउडर आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप लेना नहीं चाहते हैं तो नीम की पत्तियाँ सुखा के आप पाउडर बना सकते हैं, लेकिन नीम का यूज गर्मियों में आपको ज़रूर करना है। ठंडक देगा आपकी स्किन पर, आपकी स्किन रिलैक्स हो जाएगी। तो इसे आपको जरूर ट्राई करना है, फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, कैसा लगा आज का डीआईवे? इंटरेस्टिंग था ना, मज़ेदार था ना? तो स्कर्ब अगर आपके पास आर्टिफिशियल है, प्रोडक्ट वाला है, कर सकते हैं। अगर नहीं है तो चावल के साथ, बेसन के साथ, या फिर किसी और चीज़ के साथ भी अपने स्किन पे आप स्कर्ब कर सकते हैं, हनी के साथ ऐड करके, ऑयल के साथ ऐड करके। लेकिन जो पैक बताया है ना, वो पैक आपको इसी तरीके से लगाना है। ओके, मैंने उसका अल्टरनेट भी बता दिया है कि अगर पाउडर नहीं है तो नीम की पत्तियाँ लेके आप उनको ऐसे ऐसे करके उसका पाउडर आप बना सकते हैं। बात करें कि आपको इसे कब कब कैसे कैसे लगाना है। देखिए, जिस दिन आप पैक लगाएंगे ना, पैक लगाने से पहले आपको स्क्रब भी करना जरूरी है। अगर आप स्क्रब नहीं करेंगे ना तो उतना अच्छा रिजल्ट आपको, बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना? तो स्क्रब करना है और उसके बाद आपको पैक लगाना है। पैक आप वीक में 3 बार लगा सकते हैं, 4 बार लगा सकते हैं, जैसा आपके पास टाइम है वैसा आप लगा सकते हैं। बेस्ट तरीका लगाने का ये है कि आप रात को सोने से पहले इसे ट्राई करें। जैसे ही आप बाहर से आते हैं तो तुरंत बाद भी आप इसको लगा सकते हैं। आप इसको बना के 3 दिन के लिए फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर के अंदर ही रखना है आपको, क्योंकि नीम है और नीम की वजह से आपके फ्रिज में अगर दूध वगैरह रखा है तो वो खराब हो सकता है। इसीलिए एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल के पैक करके आपको रख देना है। बहुत अच्छे से स्किन को प्यूरीफाई करने का काम करता है। एक्ने पिंपल और जो ऑयल आता है स्पेशली गर्मियों के दौरान, उसको कम्प्लीटली हटाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है नीम और जो भी हमने इसके अंदर डाला है आलू। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारा एक और चैनल है दाकुशम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये जो फिलहाल आप वीडियो देख रहे हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, नीचे व्यू प्रोडक्ट्स आ जाएगा, वहाँ से प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहिए, खुश रखिए, बाय।